डॉक्टर सुशला तिवाड़ी राजकीय चिकित्सालय में गंभीर मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और अब कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशला तिवाड़ी में एक नई बीमारी सामने आई है। इस बीमारी का नाम कालाजार है। अस्पताल में कालाजार बीमारी के दो मरीज भर्ती हैं। कालाजार की समस्या बिहार आदि राज्यों में ही दिखती थी, लेकिन अब कुमाऊं में भी इस बीमारी के मरीज आने लगे हैं। यह सेंट फ्लू से फैलता है। इसमें बुखार आना, खून की कमी आदि लक्षण मिलते हैं। कुछ दिन पहले ही सुशला तिवाड़ी अस्पताल में कालाजार के एक मरीज की मौत भी हो गई। जानकारी के अनुसार सुशला तिवाड़ी अस्पताल में कालाजार से ग्रस्त दो मरीज भर्ती थे, इनमें से एक मरीज की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुशला तिवाड़ी अस्पताल में कालाजार से ग्रस्त तीन मरीज भर्ती थे, इनमें से एक मरीज की मौत हो गई। इस संबंध में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद सत्यवली ने बताया कि पहले कालाजार की समस्या बिहार आदि राज्यों में दिखती थी, लेकिन अब कुमाऊं में भी इस बीमारी के मरीज आने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण जोशी का कहना है कि यह बीमारी सेंट फ्लू से फैलती है। इसमें बुखार आना, खून की कमी आदि लक्षण मिलते हैं। बाद में अधिक समस्या होने पर शरीर काला पड़ जाता है। बीमारी के लक्षण दिखते ही समय पर उपचार करा लेना चाहिए। नहीं जी, कालाजार के मरीज भी आ रहे हैं, कुछ होते हैं, साल भर आते ही रहते हैं। आजकल भी इससे में तीन मरीज भर्ती हैं कालाजार के। कालाजार जब मरीज हमारे आता है तो सीरियस हालत में आता है, मतलब उसके लंबा बुखार होता है, बुखार की सब जांचें कराई, एक्सक्लूड हो गया तो कालाजार के स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो करते हैं। खून की कमी होती है, तिल्ली बढ़ जाती है, खूब उसमें इलाजमेंट होता है और मरीज बड़ा कमज़ोर सा बीमार सा हो जाता है। उसके से ही आता है। पहले तो ये ईस्ट यूपी और बिहार बेल्ट की एंडेमिक चीज़ें थी, लेकिन जो कि माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है, दिल्ली है वो है, वहाँ के भी लोग होते हैं। कुछ हमारे यहाँ ऐसे कुछ मरीज पहले पास्ट में आए हैं, कुछ लोगों ने काम भी कराया उसमें, तो बिल्कुल कभी नीचे उतरे नहीं थे, लेकिन चंपावत धारचूला साइड से भी आए हैं, तो उसमें भी एक सवाल था कहाँ से फिर कारोबार का गया ये मरीज ये रहते हैं। वहीं प्रिंसिपल अरुण जोशी का कहना है कि अगर आपको कमजोरी है, तेज बुखार है, शरीर में खून की कमी है, तो ये सब लक्षण कालाजार बीमारी के हैं। ऐसे में आपको अस्पताल में आकर सभी टेस्ट करवाने हैं और डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।